Assalamu alaikum students, how are you? Hope all of you are fine. As you know that we are discussing the play, Visit to a Small Planet, in which this play is a scientific fantasy and that throws light on the imaginative visualization of scientific progress that might take place in future. Also, the playwright is trying to show us how people continue to show less understanding of morals. So, Clayton, who is the main character of this play, has miraculous power as defending himself against all kinds of attacks. He has the ability to read human minds. So, as we have discussed earlier, that he can read the thinking of mind. Now, the conversation which is taking place between Alan and Clayton. Clayton says that I can read the thinking of your mind and it makes me a bit greedy. So, your minds are not at all like ours. So, Alan says that, oh, how often you can tell everything we think. Clayton, everything is one of the reasons I am here to intoxicate. Intoxicate means excite, mast karna, myself with your primitive mind. Theek hai, wo unhe kehte hai, ki everything jo bhi baat hai, it's one of the reasons. Ye तमाम वजहों में से एक है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे कदीम दिमागों से अपने आप को खुश करने आया हूँ. इंटॉक्सिकेट, एक्साइट करना, मत करना, प्रिमिटिव माइंड, कदीम दिमाग विद वंडरफुल रॉनेस, रॉनेस इमेच्योरिटी, नापुख्तगी ऑफ योर इमोशंस. इट्स मीन कि तुम्हारे जो जज्बात है उसकी हैरान कुन जो इमेच्योरिटी है उससे यू हैव नो आइडिया हाउ इट एक्साइट्स मी. वो कहते हैं कि तुम्हें कोई ख्याल नहीं है कि ये मुझे कितना खुश करती हैं. यू सिंपली सीट सीट मीन एंगर विद अनलाइकली इमोशंस. तुम नाकाबले यकीन जो जज्बात होते हैं उससे गुस्से में आ जाते हो. एलन, आई हैव नेवर फेल्ट सो सॉर्डिड. सॉर्डिड मीन शेमफुल. वो कहती है कि मैंने इससे पहले कभी भी इतनी शर्मिंदगी जो है वो महसूस नहीं की. इट्स मीन डेट शी इज थिंकिंग डेट शी इज इंसल्टिंग the people of the planet Earth. John, from now I am going to think about agriculture. Up to John, as you know, he is interested in agriculture and he has a farm of peanuts. ठीक है, तो अब क्या है वो ये कहता है कि मैं ज़राअत के बारे में सोचने जा रहा हूँ. Spalding, attitude. As you know that Spalding is not happy. ठीक है, वो खुश नहीं है कि जो Alan है उसकी जो इंगेजमेंट हुई है जॉन के साथ, तो वो उससे खुश नहीं है. तो वो कहता है तुम यही करोगे, यू हैव नो अदर वर्क. एलन डैडी, तो एलन से बड़े आराम से कहती है कि ऐसी बात नहीं है. क्लेटन, नो नो, यू मस्ट गो राइट ऑन थिंकिंग अबाउट एलन सच वंडरफुली पर्पल थॉट्स. पर्पल थॉट्स मीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो शानदार से ख्याल होते हैं. तो वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एलन के बारे में सोचना चाहिए जिसके ख्याल बहुत ही शानदार हैं. स्पेलिंग, नो सी हियर पावर, यू आर कैरिंग दिस स्मार्ट यू लव थिंक टू फॉर. अब क्या है, स्पेलिंग जो है वो मिस्टर पावर से कह रहे हैं कि तुमने ये जो मार्शल लॉ है इसको हद से ज्यादा तुम इस्तेमाल कर रहे हो. डेट यू हैव नो राइट टू पुट माई हाउस अंडर मार्शल लॉ. पावर, अनफॉर्चुनेटली until I have received word from Washington as to the final disposition. Disposition means solution. ठीक है, solution of problem. You must obey my orders. No telephone calls, no communication with the outside. इसका मतलब ये है कि unfortunately, बदकिस्मती से until I have received word from Washington as to the final disposition of this problem. ठीक है, कि ये जो मसला है इसका जब तक मुझे कोई हल नहीं मिलता, मुझे कोई भी जो मैसेज है वो वाशिंगटन से रिसीव नहीं होता, मैं तुम्हारे तुम लोगों को मेरे जो अहकाम हैं उनको मानना पड़ेगा. ना ही कोई टेलीफोन कॉल रिसीव कर सकेगा और ना ही किसी से बात कर सकेगा. स्पेलिंग, दिस इज अनसपोर्टेबल. अनसपोर्टेबल मीन अनबियरेबल. ठीक है, ये नाकाबले बर्दाश्त है. क्विटिन पुअर मिस्टर स्पेलिंग, इफ यू लाइक आई शैल गो. ठीक है, अब क्या है, क्विटिन जो है ही इज टॉकिंग टू मिस्टर स्पेलिंग दैट इफ यू लाइक आई शैल गो. ठीक है, अगर तुम चाहोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा. डेट विट सॉल्व एवरीथिंग बट नॉट इट. ठीक है, इससे क्या है, तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे क्या नहीं होंगे. पावर्स, यू आर नॉट गोइंग एनी वेयर मिस्टर क्विटिन अंटिल आई हैव हैड माई इंस्ट्रक्शन. ठीक है, जब तक
मेरी तरफ से या मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती, इंस्ट्रक्शंस हिदायत नहीं मिल जाती, तुम कहीं भी नहीं जा रहे. क्वीटन, आई सिंसियरली डाउट इफ यू कुड स्टॉप मी. ठीक है, मैं वाकई इस पर शक करता हूँ कि तुम मुझे रोक सकोगे. ठीक है, बिकॉज ही कॉन्ट स्टॉप इट. However, I put it up to Mr. Spalding. Shall I go? अब वो कहता है कि अगर Mr. Spalding चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं चला जाऊँगा. तो Spalding, yes, power gestures a warning. Power जो है, Mr. Power जो है, जनरल Power gestures, वो इशारा करता है वार्निंग, मतलब कि उसे रोकने का. ठीक है, टू स्टे आई मीन वी वॉन्ट यू टू गेट अ गुड इम्प्रेशन ऑफ अस. वो उसे कहते हैं कि आप यहीं पर रुको, हम ये चाहते हैं कि तुम्हें हमारे बारे में जो अच्छा तासर मिले, इम्प्रेशन में तासर एक्सप्रेशन. क्विटन, एंड ऑफ कोर्स यू स्टिल वांट टू बी द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू इंटरव्यू मी. ठीक है, एज यू नो दैट ही कैन रेड द थिंकिंग ऑफ माइन. ठीक है, देन व्हाई ही इज सेइंग दिस, बिकॉज ही हैज रेड द थिंकिंग ऑफ मिस्टर स्टाइलिंग दैट ही वॉन्ट्स टू बी द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू इंटरव्यू मी. Fair enough, all right, I will stay on for a while. ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ. Powers, thank you. तो powers क्या कहते हैं कि आपका शुक्रिया. Quitting, don't mention it, इसकी जरूरत नहीं है. Spalding general, may I ask our guest a few questions? अब क्या Spalding से कह रहे हैं जनरल पावर को कि क्या मैं इससे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ. पावर्स को राइट अहेड, हाँ हाँ आगे बढ़ो. रॉजर, आई होप यू विल डू बेटर देन आई. ठीक है, मुझे यकीन है कि मैं जो नहीं कर सका वो तुम कर सकोगे और मुझसे अच्छा कर सकोगे. स्पेल्डिंग, सिंस यू रीड अवर माइंड. ठीक है, सिंस यू रीड अवर माइंड, जैसे कि तुम हमारे ब्रेन के जो ख्याल हैं वो तुम पढ़ लेते हो. यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो व्हाट अवर फियर्स आर. प्रोबेबली गॉर्डन, ठीक है, वो कहते हैं फिर तुम्हें ये भी अंदाजा होगा डेट व्हाट अवर फियर्स आर, कि हमारे खदशात क्या हैं. क्वीटन, आई डू, यस 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 आई नो. स्पेल्डिंग, वी आर अफ्रेड डेट यू रिप्रेजेंट अ होस्टाइल वे. रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करना, ठीक है, होस्टाइल जो अपोजिट होती है, मुखालिफ होती है रेस नस्ल की. ठीक है, वो कहते हैं डिट वी हैव फियर डेट यू रिप्रेजेंटेड होस्टाइल वे. Quitted, and I have assured you in power that my people are not remotely hostile. ठीक है, remotely मतलब के क्या है, बिल्कुल भी मुखालिफ नहीं है तुम लोगों के. Except for me, सिवाय मेरे, no one is interested in this planet's present stage. वो कहता है कि ये जो planet है, जो earth है, इसकी जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको देखते हुए कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं लेता सिवाय मेरे. Between that, Mr. Quitton is the only person who wants to study the planet Earth and its roles. ठीक है, Spalding, does this mean you might be interested in a later stage? ठीक है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम बाद वाले मरहले में दिलचस्प भी दे सकते हो. इट्स मीन के उनकी जो है, जिस प्लानट से Quitton आया है वो बहुत आगे जा चुके हैं. ठीक है, और जो Spalding Quitton है वो अर्थ में, अर्थ के जो उनके लोग हैं उनमें इंटरेस्टेड है. ठीक है, उनको स्टडी करना चाहता है. क्वीटन, आई एम नॉट परमिटेड टू डिस्कस योर फ्यूचर. ठीक है, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे जो मुस्तकबिल है उस पर बहस कर सकूँ. ऑफकोर्स माई फ्रेंड थिंक मी परवर्स. परवर्स होता है इलॉजिकल, अनरीजनेबल. ठीक है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे जो मेरे ख्याल हैं उसको गैर माकूल समझते हैं. टू बी इंटरेस्टेड इन अ प्रिमिटिव सोसाइटी बट देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट. नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट मतलब क्या, शौक का कोई शुमार नहीं है. कहते हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो इस बात को गैर माकूल समझते हैं कि मैं क्या है इस कदीम माशरे में जो है दिलचस्पी ले रहा हूँ. यू आर माई हॉबी, तुम लोग मेरा मशवरा हो. आई लव यू एंड गेट ऑल देयर इज टू इट. ठीक है, और मेरे आने का भी मकसद यही है. पावर, सो यू आर जस्ट हेयर टू लुक एंड सॉर्ट ऑफ गोइंग नेटिव. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पे रहने वाले लोगों का जायजा लेने के लिए आया.
नेटिव में जो लोकल लोग होते हैं उनका क्विटन बट नाइट एक्सप्रेशन कितने अच्छे ताकत हैं डेट इज एग्जैक्टली ठीक है ये बिल्कुल ऐसी बात है. आई एम गोइंग नेटिव ठीक है मैं बिल्कुल यहाँ पे तौर तरीके देखने के लिए आया हूँ. पावर ग्रिमली ग्रिमली मीन्स सीरियसली वेल इट इज माई व्यू डेट यू हैव बीन सेंट हेयर बाई एन अदर सिविलाइजेशन फॉर द एक्सप्रेस पर्पज ऑफ रिकोगनाइजिंग prior to invasion. Reconnaissance means observe करना prior before invasion हमला करना ठीक है. वो कहता है कि तुम हमला करने से पहले जो है इन सारे मकामात का जायजा लेने के लिए आए हो. Quitting that would be your view. ये तुम्हारा ख्याल है. The wonderful primitive assumption that all strangers are hostile. ठीक है कि ये बहुत ही अच्छी assumption मतलब क्या है जो पहले से decide किया गया हो ठीक है presumption ठीक है. तो कहता है कि ये कितना अजीब मफरूजा है या कितने अजीब ख्यालात हैं कि तमाम जो अजनबी होते हैं वो दुश्मन होते हैं ठीक है. डेट ऑल स्ट्रेंजर्स आर होस्टाइल होस्टाइल मीन दुश्मन ठीक है कि सारे जो अजनबी होते हैं वो दुश्मन होते हैं. यू आर ऑलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू ठीक है आप तकरीबन इतने अच्छे नहीं हैं कि आप सच्चे हो सके जनरल ठीक है. जनरल पावर को वो ये कह रहा है पावर You deny your people intend to make trouble for us. ठीक है तुम इनकार करते हो deny इनकार करना your people कि तुम्हारे जो लोग हैं intend to make trouble for us. Intent इरादा है हमेशा to make trouble for us कि वो हमारे लिए तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं रखते तुम इस बात से इनकार करते हो. Quitting I deny मैं इनकार करता हूँ. Powers then are they interested in establishing communication with us? क्या वो हमारे साथ रब्ता कायम करने में दिलचस्पी रखते हैं. ट्रेड डेट पॉइंट ऑफ थिंग ठीक है या फिर तजारत करना चाहते हैं या इस जैसी कोई भी चीज क्या वो इसमें इंटरेस्टेड हैं. क्विटन वी हैव ऑलवेज हैड कम्युनिकेशन विद यू हम हमेशा से तुम्हारे साथ रब्ते में हैं. एज ही टोल्ड अर्लियर डेट वी आर लुकिंग एट यू थ्रू मॉनिटर्स एंड सम काइंड ऑफ डायरेक्टर्स. सो ही सेज डेट वी हैव ऑलवेज हैड कम्युनिकेशन विद यू पीपल. As for trade, we don't trade, ठीक है जहाँ तक तजारत की बात है तो हम तजारत नहीं करते. That is something peculiar only to your social level, ठीक है. Peculiar होता है मतलब कि particular, मखसूस. ये क्या है तजारत जो है सिर्फ तुम लोगों की जो है लेवल जो सोशल लेवल है उसका की मखसूस है. कोई इतनी तेजी से विच आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग जिसको मैं तनकीद बाइस नहीं बना रहा या जिससे मैं तनकीद नहीं कर रहा. एज यू नो जैसे तुम जानते हो आई अप्रूव ऑफ एवरी थिंग यू डू ठीक है मैं हर उस चीज को पसंद करता हूँ जो कि तुम लोग करते हो. पावर आई गिव अप ठीक है आई गिव अप मैं इस बात को छोड़ देता हूँ. फाइल्डिंग यू हैव नो इंटरेस्ट देन इन वेल ट्राइंग टू डोमिनेट द अर्थ ठीक है. यू हैव नो इंटरेस्ट ठीक है तुम्हें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं होगी. बस ट्राइंग टू डोमिनेट द अर्थ कि तुम क्या है जमीन पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हो. क्विटन ओ यस ओ हाँ पावर आई थॉट यू जस्ट लेट योर पीपल वाई नॉट इंटरेस्टेड इन ठीक है. मेरा ख्याल ये है कि क्या है जो हमारे लोग हैं जैसे कि तुमने कहा है कि तुम्हारे लोग जो हैं हमें दिलचस्पी नहीं लेते. क्विटन दे आर नॉट बट आई एम ठीक है. वो कहते हैं कि वो नहीं लेते लेकिन मैं लेता हूँ. पावर यू पावर कहते हैं कि तुम क्विटन मी आई मीन आई ठीक है मेरा मतलब है कि मैं यू सी आई हैव कम हेयर टू टेक चार्ज. तुम देखते हो कि मैं यहाँ पे चार्ज मारने के लिए आया हूँ. पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ठीक है यूनाइटेड स्टेट का चार्ज मारने आए क्विटन नो ऑफ द होल वर्ल्ड ठीक है नहीं पूरी दुनिया का. आई एम श्योर शी विल बी मच हैप्पियर एंड आई विल बी ग्रेट फ्रॉम हर एंड इट विल बी ग्रेट फ्रॉम फॉर मी ठीक है. वो कहता है कि आई एम श्योर मुझे यकीन है यू विल बी मच हैप्पियर तो तुम बहुत ज्यादा खुश होगे एंड इट विल बी ग्रेट फ्रॉम फॉर मी ठीक है. और ये मेरे लिए भी क्या है बहुत मजे की बात होगी. यू विल गेट यूज टू इट इन नो टाइम ठीक है तुम क्या है थोड़े ईयर्स में इसके आदि हो जाओगी. अब क्या है वो ये क्यों कह रहे हैं कि तुम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ सिविलाइज प्लैनेट ठीक है. वो एक क्या है सिविलाइज प्लैनेट से
और जब वो यहाँ पे आएगा तो वो सारे जो सिविलाइजेशन होगी उसके रूल्स जो होंगे या जैसे कैसे डेवलपमेंट हुई है वो सारे जो क्या है मेथड्स यहाँ पे लेके आएगा तो वो कहते हैं कि यू विल बी हैप्पी. फॉरवर्ड दिस इज रिडिकुलस. रिडिकुलस मीन्स सेंसलेस. ठीक है, ये बहुत ही बेहुदा बात है. हाउ कैन वन मेक टेक ओवर दिस वर्ल्ड. एक आदमी पूरी दुनिया का चार्ट कैसे संभाल सकता है. क्विक एंड गेयरली. गायली. गायली मीन्स खुशी से हैप्पीली. वेट एंड सी. ठीक है, इंतजार करो और देखो. पावर टू एज. ग्रैब हिम. ग्रैब हिम मतलब इसको पकड़ो. टेक होल्ड ऑफ हिम. पावर एंड एज. वश क्विटन बट विद इन अ फुट ऑफ हिम. ही स्टॉप स्टन. ठीक है, स्टन सेल्फ प्राइड. अब क्या होता है कि बोथ पावर एंड एज दे ट्राई टू टेक होल्ड ऑफ मिस्टर क्विटन बट सडनली दे स्टॉप एंड सरप्राइज. ठीक है, वो अचानक क्या है इससे एक फुट के फासले पर रुक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं. क्विटन. क्विटन यू कॉन्ट टच मी. तुम मुझे नहीं छू सकते. दैट्स पार्ट ऑफ द गेम. ये इस गेम का क्या है, इस खेल का हिस्सा है. नाउ इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम बुरा ना महसूस करो, आई शुड गो अप टू माई रूम फॉर अ लिटिल लाइट ऑन. ठीक है, मैं क्या है थोड़ी देर अपने कमरे में आराम के लिए जा रहा हूँ. स्पेलिंग आई विल शो यू द वे. ठीक है, स्पेलिंग कैसे मैथ में रास्ता दिखाता हूँ. क्विटिंग डेट और राइट ये सब ठीक है. आई नो द वे. मैं इस रिश्ते को जानता हूँ. कैसे शो. ठीक है, अपने माथे को छूता है. सर ब्रेक थॉट कि क्या है कि कितने परेशाना ख्याल है. माई हेड इज वाइब्रेटिंग लाइक अ ड्रम. मेरा जो सर है वो एक ढोल की तरह बज रहा है, वाइब्रेट कर रहा है. मोटिश होना. आई फील क्वाइट ही गिडी. ठीक है, गिडी मैं थोड़ा बहुत मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा सर टकरा रहा है. आई हैव यू थिंकिंग अवे. जो कुछ तुम सोच रहे हो. ही स्टार्ट्स टू द डोर. दरवाजे की तरफ जाता है. ही पासेस बिसाइड मिस स्पेलिंग. नाउ इट्स नॉट अ ड्रीम. ये एक ख्वाब नहीं है. डियर लेडी आई शुड बी हियर इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप एंड नाउ गुड नाइट डियर स्वीट चिल्ड्रन. ही गोज एज वी फेड आउट. ठीक है, अब क्या है वो उसको इसलिए कहता है बिकॉज ही हैव हर्ड थिंकिंग ऑफ मिसेस स्पेलिंग दैट शी इज थिंकिंग दैट इट्स हर ड्रीम. ओके क्लास, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.